बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 52। यूनिट नंबर 5 है हमारे पास एंड आवर टॉपिक इज मदर्स। एंड इन दिस टॉपिक वी आर डिस्कसिंग द सब टॉपिक चार्ली इज मदर, चार्ली की माँ। लिटिल चार्ली लिव्ड विद हिज मदर एंड ब्रदर सिडनी। लिटिल चार्ली, नन्ना चार्ली जो था वो रहता था अपनी माँ और अपने भाई सिडनी के साथ इना समान शैबी रूम। शैबी होता है खस्ता हाल, एक छोटे खस्ता हाल कमरे में वो रहता था। बट हैना मैनेज्ड टू ब्रिंग सम मैजिक इनटू देयर ब्लीक सराउंडिंग्स। लेकिन हैना इनकी जो इनका जो बेकैफ माहौल था उसमें हैना कुछ ना कुछ रंगीनियाँ पैदा कर लिया करती थी। शी वुड सिंग एंड डांस फॉर हर सन्स। वो अपने बेटों के लिए गाती और नाचती एंड टेल देम वंडरफुल स्टोरीज और उन्हें अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी उन्हें हैरान कहानियाँ सुनाती। वेन एवर जब कभी दे गॉट सम मनी, उनके पास कुछ पैसे होते हैना वुड टेक देम, हैना उन्हें ले जाती है टू द बीच साइड पर एंड ट्रीट देम और ट्रीट देम टू केक्स एंड आइसक्रीम और उन्हें केक और आइसक्रीम खिलाती। वन डे ऑन डेज वेन दे वॉज नो मनी, जिस दिन उनके पास पैसे ना होते शी वुड लुक आउट इन टू द स्ट्रीट, तो वो गली की तरफ निगाहें जमा कर बैठ जाती एंड नरेट स्टोरीज और कहानियां बयान करती अबाउट द पीपल, लोगों के बारे में। शी सा वॉकिंग पास्ट, जो गुजरते जिन लोगों को वो गुजरते हुए देखती इनके मुतलिक कहानियां सुनाने लगती। हैनाज एक्टिंग स्किल्स मेड अ ग्रेट इम्प्रेशन ऑन लिटिल चार्ली। हैनाज एक्टिंग हैना की जो फनकाराना उसकी अदाकाराना सलाहियतें थी, स्किल्स थी, उसने मेरा ग्रेट इम्प्रेशन एक अजीम तासुर जो है वो बना दिया था ऑन लिटिल चार्ली। लिटिल छोटा जो चार्ली था उसके लिए हैना की सलाहियत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन थी, उस पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब किए थे उसकी सलाहियतों ने। वेन ही बिकेम अ फेमस एक्टर, जब वो एक मशहूर अदाकार बन गया, ही ऑफन सैड, वो अक्सर कहता डैट इट वॉज हिज मदर्स स्किल, के वो ये इसकी माँ की सलाहियतें एंड दी साइट्स एंड साउंड ऑफ लंदन और लंदन के मनाजिर और आवाज़ों ने दैट हैड हेल्प की, उसकी मदद की है इन हिज कैरियर एज एन इंटरटेनर, एक दिल बहलाने वाले फनकार की हैसियत से इसकी पेशा वराना जिंदगी में हेल्प फ्राम की है, मदद फ्राम की है। हैना मेड सम मनी सेइंग क्लोथ्स फॉर पीपल व्हाइल सिडनी डिड अ नंबर ऑफ पोर जॉब्स। हैना जो है लोगों के कपड़े सीकर कुछ पैसे कमाती जबकि सिडनी ने कई छोटे मोटे काम किए। समटाइम्स बाज़ औक़ात व्हेन द फैमिली वाज इन सीरियस नीड, जब फैमिली को उनकी खानदान को ज़रूरत होती द चिल्ड्रन हैड टू गो इन टू द वर्क हाउस, तो उन्हें जब अशद ज़रूरत होती तो बच्चों को घरों में काम करने के लिए भेज दिया जाता, मोहताज खाने में भेज दिया जाता। चार्ली न्यू दैट, चार्ली जानता था ही वुड हैव टू अर्न अ लिविंग, के उसे रोजी रोटी कमाना होगी। बट ही वांटेड टू बी एन इंटरटेनर एंड नथिंग एल्स, लेकिन वो एक जो है दिल बहलाने वाला फनकार ही बनना चाहता था, उसके अलावा वो कुछ नहीं बनना चाहता था। देन व्हेन ही वाज 9 ईयर्स ओल्ड, जब उसकी उम्र 9 साल हुई ही ज्वाइंड विलियम जैक्सन लैंकाशायर लैड्स, लैड्स बोलते हैं लड़के को, जब उसकी उम्र 9 साल हुई तो उसने विलियम जैक्सन के लैंकाशायर के लड़के नामी जो था ही ज्वाइंट, उसने ज्वाइन किया ट्रूप ऑफ चाइल्ड डांसर्स, आ ट्रूप एक ग्रुप था वो डांसर्स का, उसने उसको ज्वाइन किया, उसने वो शामिल हो गया। चार्ली इंजॉयड वर्किंग विद दिस ग्रुप, चार्ली ने बहुत लुत्फ उठाया, वो बहुत ही जो है उसको मज़ा आया इस ग्रुप के साथ काम करके। बट ही वाज आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड द टेंशन द फटीक एंड द पेन बिहाइंड द ब्राइट लाइट्स एंड गे कॉस्ट्यूम, लेकिन वो चमकती हुई रोशनियों और भड़कीले मलबूसात के पीछे पोशीदा जो टेंशन थी, तनाव था, थकान और कुर्ब को समझने के भी वो काबिल हो गया। चार्ली वर्क विद दिस ग्रुप फॉर 2 ईयर्स, चार्ली ने इस ग्रुप के साथ 2 साल काम किया, आफ्टर विच उसके बाद ही वाज अगेन ऑन हिज ओन, इसके बाद वो फिर अकेला रह गया। वन डे एक दिन चार्ली केम होम, जब चार्ली घर आया ही फाउंड हिज मदर इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कन्फ्यूजन, तो उसने अपनी माँ को निहायत अपनी की हालत में पाया। शी हैज गॉन मैड, वो पागल हो गई है। द चिल्ड्रन इन द नेबरहुड शाउटेड, जो मोहल्ले के बच्चे थे उन्होंने चिल्ला कर बताया
चार्ली इमीडिएटली टुक हर टू द नियर बाई हॉस्पिटल। चार्ली जो था फौरन से नजदीकी अस्पताल में ले गया। डॉक्टर टोल्ड हिम दैट, डॉक्टर ने उसे बताया कि शी वाज इंडीड अनवेल, कि वो वाकई ही उसकी मां की तबीयत खराब है। सिक्स डेज लेटर, 6 दिन बाद शी वाज एडमिटेड टू अ मेंटल इंस्टीट्यूशन, इसे दिमागी अमराज के एक अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। चार्ली वाज हार्ट ब्रोकन, चार्ली बेहद दिल शिकस्ता हुआ, उसका दिल टूट गया। शी हैड मेंट सो मच टू हिम, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में माँ की बहुत अहमियत थी। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इस बार आपके डिफिकल्ट वर्ड्स थे मैंने सी, फर्स्ट हमारे पास है ब्लैक, सुनसान या ब्लीक, ब्लैक यहाँ पे ब्लीक है, सुनसान या उदास। बीच साहिल, इंटरटेनर तफरी या मुहैया करने वाला। इम्प्रेशन तासुर, फटीक थकन। साउंडिंग अहाता करना, वंडरफुल हैरान को नरेट बयान करना। कन्फ्यूजन परेशानियाँ उलझाओ। कॉस्ट्यूम खास लिबास। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल मीट विद नेक्स्ट टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।